एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो. आज अपना डे 3 है गोवा का. टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम क्योंकि अपना आज का चेकआउट है. लाइट करते हैं बंद और इसको चलते हैं सीधा. अब चलते हैं सीधा हम चेकआउट करने के लिए. देन अभी लंच करेंगे. टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं. अब लंच करेंगे उसके बाद जाएंगे हम. यान खा यान कुछ देखो फोन से. यहाँ है कोई? नहीं इधर कोई है. आपको दे दूँ हाँ छोटे का. तो चलते हैं पहले गाड़ी पे. तो सामान हम रखते हैं गाड़ी पे. अभी डिसाइड करते हैं शायद अगोड़ा फोर्ट जाएंगे पहले. उसके बाद देखते हैं जाना है. तो सामान हम रख लेते हैं. इसमें अपने जूते वूते पड़े हुए हैं. ये क्या है इसमें? बैग रखो ना वो रेड़ने वाला था. बागा वाली साइड वहाँ कहीं इंडियन वाले को बहुत कहाँ जाए तुझे बताओ. कहाँ जाए? साउथ. साउथ में किधर? वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हाँ पलोलियम. पलोलियम अच्छी है. ओ भाई इसमें रेत है. मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ. वैगाटर बीच के पास तू जूम कर वहाँ पे. ये तो वैगाटर बीच ही लगा ले के पास एक पॉइंट आता है. Oh.
तो यहाँ पर अपना खाना आ चुका है, रोटी राइस एंड सम वेजिटेबल्स इसको खाते हैं। एंड देन खाना पीना होने के बाद अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग मतलब पहुँचने वाले हैं अपना अगवाड़ा फोर्ट पे। और गर्मी से बुरी हालत हो रखी है, देखते हैं अब आगे जाके क्या मिलने वाला है। इतनी मेहनत करके गाँव को चढ़ के आए, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। हम आ गए व्यू पॉइंट पे, पीछे रहा बीच, ये रहा व्यू पॉइंट, ये रहा बीच में जंगल। अब पता नहीं जंगल में से रास्ता आता जाने का बीच में क्या मज़ा आता, क्या पता हो, देखते हैं अभी उस साइड में चलते हैं, शायद उस साइड में कहीं पर रास्ता हो बीच में जाने का। बहुत मज़ा है यहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं अभी शायद हम बीच पर चले जाएँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, नहाएंगे वहाँ पर जाके। एंड यहाँ पे तो बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन देखो व्यू क्या मस्त है यहाँ का। फोटोज़ वगैरह निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे हम बीच पे। आई एम रिकॉर्डिंग। तो एक रास्ता मिल गया हमें बीच पे जाने के लिए, पूरा पहाड़ से जुड़ना पड़ रहा है, बाद में वापस चढ़ना पड़ेगा। लेट अस सी, गर्मी वर्मी तो कम हो जाएगी। और अपना बीच जो हम जा रहे हैं, ये अपना रास्ता, ये रहा जहाँ से हम आए हैं, वो मेरा फ्रेंकी दोस्त ही मेरे पीछे लग गया। अब तो मतलब ये बोलता है जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ आऊँगा, तो हम चलते हैं सीधा नीचे हम। एंड इसको मेरे नीचे देखना पड़ेगा, मैं गिर भी ना जाऊँ, यहाँ पर बड़ी चढ़ाई है, मैं स्लिप स्लिप ना कर लें, स्लिप स्लिप ना कर लें, ऐसे कूद जाओ सीधा नीचे। वहाँ धो लेता हूँ, वहाँ नहा लेते हैं एंड देन अब तक देखते हैं, सनसेट भी होने वाला है, क्योंकि हम सी का है सन यहाँ पे, तो इसे वेट तो नहीं करेंगे सनसेट का, क्योंकि अभी हमें रूम बुक नहीं किया, रूम के लिए ढूंढना है पहले रूम के लिए, जगह देखनी है कहाँ जाएंगे क्या करेंगे सब कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं पता है अभी, तो रूम देखेंगे बुक करेंगे उसके बाद चलते हैं। मतलब वहाँ थोड़ा नहावा लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, कपड़े पूरे गीले वीले हो गए, दैन फिर देखते हैं रात में क्या प्लान बनता है एंड क्या डिसाइड होता है। और अभी आज क्या है, आठ है ना, आज नाइट का करना है, आठ का नौ नाइट का, मतलब आज तो दिन घूम लिए, कल देखते हैं फिर कल का क्या प्लान, कल देखते हैं शायद फॉल्स वगैरह जाए, मतलब दूध सारे फॉल्स वाटरफॉल्स हैं यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर दूर है, देखते हैं अगर प्लान बना लाइक दो तीन फॉल्स एक ही जगह पे हैं, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है कल के लिए। परसों भी घूमेंगे, परसों रात की ट्रेन करेंगे हम बैक टू बैंगलोर, बैक टू कॉलेज लाइफ। चलो अभी वो बात नहीं करते हैं, इन्जॉय किया आपको कीजिए गोवा के व्लॉग्स को, और जितना उससे जितना सपोर्ट करो। मिलते हैं अब सीधा अब आपको रूम पे।
क्योंकि ना सब वॉशरूम देखते हैं। ओ भाई क्या ही वॉशरूम है मज़ा। मैं बैक कैमरा से पकड़ लूँ, वॉशरूम स्टार्ट करते हैं। दोनों शावर हैं एंड दिस इज द मिरर और ये रहा ये सब और ये रहा अपना रूम बेड ज़्यादा कबर्ड्स है ये सब हैंगर एंड ऑल। ये अपना ये एसी है, एक सेकंड में रख दूँ। तो ये अपना कॉरिडोर, यहाँ पे लाइट पता नहीं क्यों नहीं है। चलो ये इसका बेस्ट पार्ट ये है, वी हैव अ स्विमिंग पूल तो हम लोग यहाँ नहा सकते हैं। तो अपने आप स्विमिंग पूल है यहाँ पे। कि ये रूम भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वॉशरूम में टाइल्स थोड़े डिफरेंट लगे हुए हैं, अपना इधर थोड़ा मिरर पड़ा है। बस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहा धो लेते हैं, फ्रेश होते हैं। सो अभी हम हो जाएंगे फ्रेश, क्या अच्छी मस्त लाइटिंग है यहाँ पे। तो अभी फ्रेश वेश हो लेते हैं हम, उसके बाद हम जाएंगे टॉवल लिया ना, उसके बाद हम जाएंगे खाने के लिए कुछ, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं कि बाकी रात का क्या प्लान बनता है। और मज़ा है रूम बहुत। और ये रूम मेरे को पता है कितने मतलब 1000 पड़ा है एक नाइट के लिए, दो रूम चार गेस्ट के लिए 1000 ओनली 1000। मज़ा आ गया, चलो मिलते हैं सीधा आपको डिनर पे। तो अपना खाना आ चुका है, वेज मील्स मंगाए हैं, रोटी दाल सब्जी पापड़ एंड ऑल। सो कल रात बहुत लेट आ गई थी, बहुत थक गया था मैं, एडिट किया एक वीडियो क्योंकि वाईफाई था ना, मतलब गोवा में क्या है ना एयरटेल चलता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलता नेटवर्क, मतलब कॉल के लिए नेटवर्क एक आता है उसको, तो मतलब मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था मैंने उसी वीडियो। आज होटल में वाईफाई मिला, मतलब स्पीड अच्छी थी वाईफाई की, तो कल रात को हम लेट आए, लाइक 3 बजे आए थे हम, तो रात को 3 बजे फिर मैंने वीडियो एडिट किया, वो अपलोड किया, नहाया के बाद सो गया मैं, और तो वीडियो एंड करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी हम आज दिन का कोई डिसाइड नहीं, अभी क्या मतलब क्या करना है, कहाँ जाना है, अभी रूम से चेकआउट कर रहे हैं, सामान वामान पैक हो गया अपना, तो लेट्स सी क्या होता है, कहाँ जाते हैं, और इसको कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। इस ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतना शेयर करें। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।